काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। 1916 ना शुरू शुरू में हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो क्या हमारे अच्छे नंबर सेमेस्टर में आएंगे अगले, तो क्या हमें हॉस्टल मिल जाएगा? प्लेसमेंट्स को लेकर अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो हाईली डिसअपॉइंट होने वाला है, क्योंकि प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। प्रोफेसर्स का पढ़ा दिया गया बहुत है एंट्रेंस एग्जाम मास्टर्स का क्वालिफाई करने के लिए, कि अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है? ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी क्यों नहीं चले जाते हैं, क्यों मास्टर्स करना चाहते हैं? तो एक दिन में कितनी क्लासेस चल जाती हैं? क्या लगता है बीएचयू में पढ़ करके बीएचयू फिर से मिलना आसान है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा कास्टिज्म, लोग कहते हैं नेपोटिज्म, कास्टिज्म बीएचयू के रग रग में भरा हुआ है, आपने नहीं देखा? कहने का तो बहुत स्कोप है आजकल में, कि जैसे इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें केमिस्ट लगते हैं, जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं और होता है उसमें केमिस्ट ही लगते हैं। पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे ही काम कर रहा है ना? पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे ही काम करेगा, ऐसा नहीं है, बायोकेमिस्ट्री होता है, हाँ बायोटेक्नोलॉजी आता है, लेकिन उसमें केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जो फार्मास्यूटिकल, केवल केमिस्ट्री से कुछ नहीं हो सकता। फैलाओ ज्ञान का प्रकाश केमिस्ट्री के द्वारा ना बोल सकते हैं। केमिस्ट्री थर्ड ईयर में है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग वर्मा है। अनुराग, तो अनुराग क्या हालचाल है, 3 साल बीएचयू में बिताया, कैसा लगा बीएचयू, सही सी बताइएगा? 3 साल का अभी एक ही साल बिताए, 2 साल तो कोरोना में चला गया। अच्छा ऑनलाइन वाले हैं आप? ऑनलाइन वाले हैं। तो ऑनलाइन में कैसा फीडबैक रहा, प्रोफेसर यहाँ के पढ़ाई लिखाई कि नहीं पढ़ाई? एफर्ट तो पूरा डालते थे अच्छे से, बट वही है कि कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा तभी ना दिमाग में जाएगा। एफर्ट पूरा डालते थे, कम्युनिकेशन नहीं बन पाया? कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो पूरा खेल होता है कम्युनिकेशन का ऑनलाइन क्लासेस में, कम्युनिकेशन ही नहीं बना। कम्युनिकेशन का ही होता है, कम्युनिकेशन अगर नहीं ठीक से हुआ तो बात नहीं पहुंचेगी, फिर कैसे इंसान इंटरप्ट करेगा, गलत इंटरप्रिटेशन डाल देगा था। अच्छा तो अभी सेमेस्टर एग्जाम आपका चालू है? नहीं एग्जाम नहीं चालू है, सेमेस्टर एग्जाम 5th सेमेस्टर का खत्म हो गया है, 6th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। ये किसी कोचिंग की किताब है क्या? कैम एकेडमी का है, हम लोग जैम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मास्टर्स, मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, मास्टर का मास्टर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम, जैम के लिए जैसे जेई लेता है वैसे मास्टर्स के लिए आईआईटीज वाईटीज में एडमिशन होते हैं इसके थ्रू। और ये सीयूईटी या ये भी है, ये यूनिवर्सिटीज का होता है, जैसे ऑल इंडिया जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपस में मिलके कंडक्ट कराती हैं। तो सबका कंबाइंड हो गया, आप एक एग्जाम देंगे और सभी जहाँ जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, रैंक के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, मिल जाएगी। तो क्या लगता है बीएचयू में पढ़ करके बीएचयू फिर से मिलना आसान है कि नहीं है? वो तो है, आसान तो है ही, और एक ये फायदा है कि बीएचयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। कितना परसेंट? परसेंटेज का कुछ नहीं है, कि जैसे कि अगर दो बच्चा है कि बीएचयू से एक नॉन बीएचयू से, तो पहले बीएचयू वाले का देखेंगे, अगर उसका मिल सकता है मार्क्स अच्छा है उसका सेम, तो बीएचयू वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? अनुराग वर्मा। अनुराग, 15 या 20% कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है ना बीएचयू के छात्रों को जब वो मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और इटसेल्फ वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं, तो उनको कितना परसेंट मिल जाता है? 5-6 नंबर। हाँ अगर उसको 15-20% में जोड़े तो 5-6 नंबर का ही गैप आता है, लेकिन 5-6 नंबर वैल्यू रखता है। उस 5-6-1 नंबर की वजह से कई लोगों का ये बीएचयू छूट जाता है, कई लोग कहीं और चले जाते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री आपने पढ़ा, तो ग्रेजुएशन क्या माहौल है? अभी नए नए लोग आए हैं जो ग्रेजुएशन में सीयूईटी के थ्रू, पहली बार सीयूईटी हुआ 2022 में, तो क्या लगता है कैसे लड़के आए हैं, कुछ पता चला? उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में थे, तो हम लोग अपने में बिजी हो गए, क्योंकि हम लोग का ऑनर्स आ गया, केवल केमिस्ट्री पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो हुआ तो पता चला कि ठीक है जूनियर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे हैं? हाँ ठीक ठाक हैं, अभी तो जितना कर जितना जान पाए हैं ठीक ही हैं अभी आगे। तो जैम का क्या सिलेबस, जैसे होता है ना कि कई लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और कई लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत लोग जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अनुराग, वैसे बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लोग कंपीट करेंगे दिमाग से कि देखें कितना अनुराग पढ़ रहे हैं और हम कितना पढ़ रहे हैं, तो आप जैम के लिए क्या क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं भाई? जैम के लिए तो उसका तो सिलेबस है ओवरऑल जितना भी है, सिलेबस हमको भी पूरा याद नहीं है, और उसके बाद जो है कोचिंग्स होती हैं, केम एकेडमी है, अन एकेडमी है, और एक IFS करके कोई कोचिंग भी है। मतलब अन एकेडमी बेस्ट कोचिंग कौन सी है, ऐसी नहीं अभी बता तो हमको तो नहीं, लेकिन जितना भी फ्रेंड्स ने बताया है ओवरऑल केम एकेडमी सब बोलते हैं कि बेस्ट है उसका, जो उसमें से फर्स्ट रैंकर भी आए हैं जैम में। अच्छा। और रैंक देता है अच्छी खासी। अच्छा तो सब लोग केम एकेडमी ही प्रेफरेंस करते हैं मोस्टली। अच्छा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है जैम के बारे में, मतलब वो कभी सुने भी नहीं है जैम के, जैसे आप भी ये टर्म चंद सालों पहले ही सुने होंगे, एक साल पहले फर्स्ट ईयर में सुने। तो ये जैम क्या होता है कि IIT में एडमिशन दिलाता है? चलिए ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए? अप्लाई है कि जो है अभी रिसेंटली जो है हम लोग का शायद सितंबर में वो आया था फॉर्म, उसको फिल किए थे
तो उसका वेबसाइट है जैम का, आईआईटी इस बार तो आईआईटी गांधीनगर करवा रहा है, अलग अलग आईआईटीज करवाते हैं अलग अलग बार। हर बार क्या सभी आईआईटीज एक साथ नहीं करवाते हैं? सॉरी गुवाहाटी है, मतलब सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी करा रहा है, सिर्फ इस साल आईआईटी गुवाहाटी सिर्फ एडमिशन ले रहा है क्या कि कोई और नहीं ले रहा है? वो कंडक्ट कराने का जिम्मा जो है वो आईआईटी गुवाहाटी लिया है, बाकी एडमिशन तो हर आईआईटी में होगा, रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अच्छा, हर आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? किसी को तो लेना पड़ेगा क्योंकि एनटीए नहीं करवाता है इसमें, जैसे जेईई मेंस जो है एडवांस जो है वो सब एनटीए करवाता है सब कुछ, हाँ, लेकिन ये एनटीए को नहीं मतलब मिलता है, इसको आईआईटीज खुद करवाती हैं अपना। अच्छा, ये जो जैम का सिलेबस है वो CUET, जैसे आप केमिस्ट्री जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो IIT के लिए, और आप CUET MSc के लिए भी अगर प्रिपेयर करोगे तो क्या सिलेबस डिफर करता है कि सेम वही चीज़ है, वही पैटर्न है? इतना नहीं हमको वो है पूरा, लेकिन सिलेबस मोस्ट ऑफ द मैच करता है, पूरा नहीं। और ये जो BHU का जो सेमेस्टर्स का सिलेबस है वो जैम से काफ़ी मैच करता है, कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं बाकी लगभग मैच करता है जो सीनियर्स ने हमारे बताया है और वो सब। हाँ, सीनियर्स ने सब सीनियर्स से बताया, दोस्त ने बताया, हम एनालिसिस उतना नहीं किए हैं। आप एनालिसिस करते तो काफ़ी ठोस होता है ना सब डेटा? खास नहीं, मतलब जो है हम एनालिसिस उतना करते नहीं है, जो है आता जाता है करते जाते हैं। एजुकेशन को लेकर के क्यों एनालिसिस नहीं करते हैं भाई? लोग एनालिसिस करते हैं कि स्टार्टअप खोलने के लिए, पूरा एकदम हर अच्छे से चीज़ों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो, अब पढ़ाई भी तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम 4-5 साल दे रहे हैं, फिर आगे चल के प्लेसमेंट पाएंगे और कमाएंगे, तो हम एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं, क्या सोच के नहीं? क्योंकि हम इस पर अभी इतना नहीं ध्यान दिए थे, हम जो है ऑनलाइन में थे और फिर इधर आके सेमेस्टर्स में लग गए इधर उधर, बस जैम एक साइड वाइज चल रहा था, हम ठीक से प्रिपेयर नहीं किए फ्रेंकली स्पीकिंग। क्या परेशान कर दिया क्या पढ़ने में हमें? बस पता है 10 मिनट के आपकी परेशानी को बहुत लोग फ़ायदे में ले लेंगे, शायद उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे केमिस्ट्री लैब वैब कैसा है, सब बढ़िया है? लैब तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग किए हैं एक्सपेरिमेंट सब अच्छे से कराया जाता है, और जो है टीचर्स जो भी डाउट है, बीच में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बीच में कुछ नहीं समझ रहा है, जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैब खत्म हो गई, मतलब आपका लैब का सिलेबस ओवर हो गया, कि जैसे 6 एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कर लें तो 6 एक्सपेरिमेंट उसमें होते हैं, खत्म हो गया, तो टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपको रिपीट करना है कोई एक्सपेरिमेंट या जो नहीं कर पाए हैं पीछे, तो एक दो क्लास देते हैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए कि आप आके कर लें। जैसे ग्रेजुएशन में उतना लैब वैब का महत्व होता है, आप बात करेंगे क्या? लैब का उतना महत्व होता है क्या? हम जैसे 12th में होता है ना कि 12th में चले जाते हैं लैब में और यूं ही कुछ फनल्स उठा करके इधर उधर करते हैं, कुछ धुआं निकला, कुछ हंसी आई, बस यही सब चलता है, यहाँ पे क्या उतना इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस तो ये हम लोग जैसे जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जैसे 12th लेवल पे क्या होता था कि हम लोग काफ़ी स्कूल्स में ऐसा था कि आप लोग बिना एक्सपेरिमेंट किए बस प्रैक्टिकल कॉपी लिख के दे देते थे और उस पे मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, हमको अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, हाँ, सबके एनालिसिस करना है, रिजल्ट निकालना है, अगर आप कोई कंपाउंड भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपका परसेंटेज कितना है, सब कुछ अच्छे से क्लेरिफाई करके देना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन में ये क्या स्ट्रिक्टली सही में कराया जाता है कि मास्टर्स में जा करके होता है? बहुत अच्छे से कराया जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बस जाना है, ऐसे देख के चले आना है, मतलब काफी अच्छे से सब कुछ करना ही करना है। हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर सिंगल डेज में हम अगर लोगों को बताएं जानकारी दे कि ग्रेजुएशन में BHU में कितनी क्लासेस चलती हैं साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में केमिस्ट्री में, तो एक दिन में कितनी क्लासेस चल जाती हैं? तो वो शेड्यूल्स पे होता है एक तो नंबर एक, और एवरेज ऑन एवरेज जो है थर्ड ईयर में हम लोग बता रहे हैं तो 5 क्लासेस चलती हैं, 5 आवर की क्लासेस अगर चली हैं, और अगर लैब इंक्लूड होगा तो 6 आवर हो जाता है, जैसे 2 आवर की स्टार्टिंग में क्लास, फिर 4 आवर का लैब, 4 घंटे का रहता है। तो BSc में एक क्लास क्या है 1 घंटे का होता होगा? हाँ, एक क्लास 1 घंटे का होता है, तो हम 6 घंटा क्लासेस में बिताते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं ना अनुराग कि हम अगर यहाँ पे आते हैं एडमिशन लेते हैं और हमें नीट और JEE की तैयारी भी करनी है साथ साथ में, तो क्या हम कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा तो टाइम में प्रॉब्लम होती ही होती है, अब हम लोग भी जैसे जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब 6 घंटे आप क्लास में चले गए तो उसके बाद थोड़ा आप मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, आप तुरंत ही पढ़ने नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम जैसे जितना देना चाहिए उससे थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है, और जिस दिन प्रैक्टिकल है तो आप 4 घंटे लगातार खड़े हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा तो आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको अलग से, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल जो कोई क्वालिफाई किया हो ऐसे एग्जाम? क्वालिफाई तो हम यहाँ से हम जैसे बहुत लोगों को देखें, जैम का अगर बात करें तो हमारे सीनियर्स जो थे उनमें से तो काफ़ी लोग मतलब क्वालिफाई किए हैं, मतलब एक तो हमारी सीनियर थी जिनका DUET में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, और हमारे पहचान में जैम तो काफ़ी लोगों का निकला है, कोई ISC बैंगलोर में गया, कोई IIT बॉम्बे में गया, मतलब अच्छी अच्छी जगह सब गए हैं, मतलब एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़िया है। अच्छा, नहीं
प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ के बहुत अच्छे हैं हर मामले में। प्रोफेसर्स का पढ़ा दिया गया बहुत है एंट्रेंस एग्जाम मास्टर्स का क्वालिफाई करने के लिए कि अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है? एंट्रेंस के लिए आपको अलग से खोज के पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर्स बताते हैं कि जो आपका दिक्कत है, या प्रोफेसर्स एक होता है कि पूरा एक होता नहीं रोड मैप टाइप में तैयार कर दें कि बता दें कैसे क्या है, लेकिन आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आपको बुक देखना पड़ेगा। प्रोफेसर्स खुद बोलते हैं कि आप लोग इसको और डीप में पढ़ने के लिए अच्छे से, प्रोफेसर्स तो सिलेबस कवर करते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि जो चीज़ सिलेबस में होती है कुछ कुछ उसको बिना एक्स्ट्रा पढ़े हुए थोड़ा सा नहीं समझ में आती है वो चीज़, उसको या तो फिर रट लीजिए या तो अगर उसको समझना है तो थोड़ा सा आगे पढ़ के तब वो समझ में आता है, तो वो चीज़ करना पड़ता है हमको। मैं मतलब केमिस्ट्री से नहीं भागता था, मैं मैथ्स से भागता था। क्लास टेंथ में मैंने मैथ्स छोड़ दी, फिर मैं आया तो फिजिक्स में मेरे अच्छे नंबर आए क्लास ट्वेल्थ में, और बायोलॉजी में भी बढ़िया नंबर आया 90+93, लेकिन केमिस्ट्री में मैं जस्ट पास हुआ। और आज भी मुझे ये सब चीज़ें देख करके, जैसे ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, अगर ये एरो नहीं लगा रहता तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये सब प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए? नहीं, ये जैम का, जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो कितने घंटे जैम के लिए पढ़ाई हो जाती है भाई? यहाँ पे लोग बोलते हैं गाइडेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, आप मतलब अगर आपको बेसिक है कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ऐसे है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब मेनली तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग से होगा। बाकी बेसिक नॉलेज तो आपको प्रोफेसर्स भी दे सकते हैं। MCQs के प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मतलब जैम में तो 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ और फिर न्यूमेरिकल टाइप। तो आप MCQs पढ़ने के लिए किसका हेल्प ले रहे हो, कहाँ से रैपिडली लगाया जा रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और फिर ऐसे कई कोचिंग्स के मटेरियल हैं उसमें दिया रहता है MCQ वगैरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मदद करते हैं अनुराग? हाँ, प्रीवियस ईयर काफ़ी मदद करते हैं, रिपीट नहीं होते हैं बट आपको एक मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, पैटर्न मिल जाता है, क्वेश्चंस का पैटर्न मिल जाता है और उस पर हम काम कर जाते हैं। हाँ, सेम टाइम का पैटर्न मिला तो हम लगा जाएंगे दिमाग अपना। तो भविष्य में क्या सोचा अनुराग, क्या बनना है? बनने का तो अभी इसके बाद तो हमको तो मास्टर्स करना है MSc। मास्टर्स करके क्या बनना है? मास्टर्स के बाद पहले तो UPSC हम करेंगे। UPSC है मेरा। UPSC अभी हम, मैं कल बात कर रहा था एक लड़के से जो क्लास टेंथ में पढ़ता है अभी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या करोगे, तो बोला UPSC करेंगे। हमको UPSC कैसे करोगे? पहले तो उसको बोला था ISPCS की तैयारी करेंगे, UPSC तो मालूम नहीं होता क्लास टेंथ के बच्चों को। तो उसका कहना था मैं मास्टर्स करूँगा फिर UPSC की तैयारी करूँगा। ग्रेजुएशन के बाद आप UPSC क्यों नहीं चले जाते, क्यों मास्टर्स करना चाहते हैं? क्योंकि हमको एक ग्रेजुएशन होता है कि बेसिकली ये मेरे फादर का वो है, उन्होंने हमको मतलब दिखाया कि ऐसे करना है कि क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन करके आपके पास बहुत मतलब रहता ऑप्शंस रहते हैं ऐसा नहीं है, बट मेरे फादर जो है वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर MSc किए होते तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी खुल जाते हैं जो इजी मतलब रहते हैं। तो बोले कि MSc कर लेंगे, नंबर एक ये हो जाके ऑप्शंस खुल जाएंगे, दूसरा यह था कि मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री ये मतलब और स्ट्रांग हो जाएगा UPSC में, क्योंकि मेंस में वही सब्जेक्ट लेना है तो उसमें BSc तक आता है। अगर हम MSc तक ठीक से प्रिपेयर किए हैं तो ये रहता है कि हाँ उसमें बेटर करेंगे, पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमको केवल प्रीलिम्स के लिए करना रहेगा तैयारी और फिर GS दो चीज़ बचेगा, मेंस के लिए हमको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। UPSC की तैयारी क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चल रहा है या सिर्फ एग्जाम की तैयारी चल रही है? अभी तो UPSC का नहीं। जिनको UPSC निकालना है वो लोग अपना UPSC का ही प्रिपरेशन करते हैं। जिनको ग्रेजुएशन के जस्ट बाद UPSC निकालना है वो लोग अपना लगे हैं, हमको अभी नहीं निकालना है, मास्टर्स के बाद है तो मेरा अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई हॉस्टल्स में भी रहता है? आप लोग हॉस्टल में रहते हो, क्या माहौल है हॉस्टल का? हॉस्टल तो सही है। क्या हॉस्टल मिलता है जब हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हो ग्रेजुएशन में, कौन सा हॉस्टल मिला? हाँ, कुंदन देवी गार्गी भी कुछ लोगों को मिलता है, मतलब हम लोग कुंदन देवी KDC। कुंदन देवी क्या MMB? नहीं नहीं, इधर FMC में है, ब्रोचा के पीछे। अच्छा, ब्रोचा के पीछे कुंदन देवी, उसके बगल में एक एक्सटेंशन बना है रिसर्च स्कॉलर का भी। हाँ, हाँ, हाँ। अभी वही मुद्दा चल रहा था कुछ दिन पहले ना, लोग रोड पे धरना वरना कर रहे थे, ये तो नहीं पता। अच्छा, कुंदन देवी में चलिए ठीक है, सारे BHU के हॉस्टल्स एक तरीके के हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी है? मतलब हमारे यहाँ तो खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? आयुषी त्रिपाठी। आयुषी, कोई नहीं बोल रहा है कि खाना बढ़िया है, 4 दिन खाने के बाद सबको लग रहा है कि वही सेम केमिकल मिला रहे हैं खाने में, दाल को पीला करने के लिए कुछ अलग केमिकल, सब्जी को लाल करने के लिए कुछ अलग केमिकल। कुछ नहीं है, हमारे हॉस्टल में अच्छे मिले अभी तक। ऐसा नहीं है? नहीं, बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। तो आप भी जैम की तैयारी कर रहे हो,
तो आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है जैम की तैयारी करने के लिए कि सेल्फ स्टडी भी है चूँकि वैसे कैम अकेडमी ज्वाइन किया कैम अकेडमी सब लोग कैम अकेडमी के प्रोडक्ट हैं तो अब वो हमको सजेशन देता है कि ये बेस्ट है तो इंसान बेस्ट ही ट्राई करता है कि बेस्ट ही मिले फिर हमको मेरा निकल जाए तो इसीलिए जो बेस्ट बताया उसी को। यहाँ पे आपके जब जूनियर्स आते हैं जैसे होता है ना कि बहुत कम इंट्रैक्शन होता है जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग बोलना बतियाना नहीं चाहते एक दूसरे से, तो आपको क्या परेशानी हुई, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे उन जूनियर्स के जो अभी आए हैं, चंद महीने हुए उनको आए, कैसे पढ़ें क्या करें कि सब चीज़ें सही रहेंगी उनके लाइफ में? मतलब उनको जो भी करना है अभी से शुरू कर दें, जैम देना है तो पैरेलल प्रिपरेशन शुरू कर दें, यूपीएससी करना है तो भी शुरू कर दें, मतलब उनको जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब क्लास के साथ साथ बाकी प्रिपरेशन भी पैरेलल शुरू कर दें। समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास समय तो क्या नहीं है ऐसा कुछ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सही है। वैसे हम ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं क्योंकि हमारा डेटा है सिर्फ एजुकेशन वाला, एजुकेशन निकालने के लिए। और यहाँ ये जो BHU में सोच करके आते हैं लोग कि हम BHU पढ़ने जा रहे हैं, क्या भाई साहब ऐसा कुछ मिलता है? फिर से रिपीट किया, जैसे हम BHU पढ़ने आए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हम JNU यहाँ से चले गए JNU, हुआ कि JNU में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, और JNU गए तो पता चला प्रोफेसर आ ही नहीं रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर क्लास में खड़े हैं और वो वाई भी नहीं दे पा रहे हैं, उस क्वालिटी का एजुकेशन है ही नहीं, क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? नहीं ऐसा नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ है एक्चुअली में, और एजुकेशन तो ठीक है, ये जो थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी है तो एजुकेशन तो जो है सो है, इसके यहाँ इसके अलावा यहाँ बहुत सारे फेस्ट भी होते हैं जो आपका केवल पढ़ाई नहीं है, आपके और अंदर क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करके आप आगे नहीं कर सकते हैं कुछ। तो जैसे फेस्ट होता है, अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है आकांक्षा फेस्ट आने वाला है, अभी काशी यात्रा चल रहा है, IIT का फेस्ट है, ऐसे बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, तो उनसे भी आप जो है बाकी अपने भी एबिलिटी कर सकते हैं। यहाँ गेम्स होते हैं एथलीट्स में, वहाँ भी आप जा सकते हैं, फिर डांस कॉम्पिटिशन वगैरह बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। सिर्फ एक ठीक है अनुराग, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा मैं और आप लोगों से भी जरा बातें करूँ। क्या नाम है आपका मैम? अनन्या तिवारी। अनन्या, बहुत लोग पूछते हैं कि हम अगर BHU में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एडमिशन हमने ले लिया है, हमें हॉस्टल नहीं मिला, शुरू में हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो क्या हमारे अच्छे नंबर सेमेस्टर में आएंगे अगले, तो क्या हमें हॉस्टल मिल जाएगा? मिल जाता है, मिल जाता है। ये डेटा एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है, हमारी क्लास में खुद ही मतलब लड़की थी, उसको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला था, लेकिन थर्ड ईयर में उसके मार्क्स अच्छे थे, जैसे 8.98 मतलब 8.5 के ऊपर रहेगा तो आपको मिल जाता है हॉस्टल। 8.5 CGPA मतलब आउट ऑफ 10 हमें लाने पड़ते हैं तब जाकर के हॉस्टल का सिचुएशन खुल सकता है कि मिल, तब आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और भाई लोग आप लोग किस कोर्स में एनरोल्ड हैं? BSc मैथ थर्ड ईयर। क्या रहा एक्सपीरियंस BSc मैथ का? सही था एक्सपीरियंस, प्रोफेसर्स काफ़ी हाईली एडुकेटेड हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे आप ग्रेजुएशन में आए हो, क्या नाम है आपका? हर्षित राज। हर्षित, जब आप ग्रेजुएशन में यहाँ पे आए होंगे तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन मिले होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इन्होंने केमिस्ट्री चुना, आपने मैथमेटिक्स चुन लिया, तो क्यों केमिस्ट्री छोड़ करके मैथमेटिक्स चुना, जियोलॉजी क्यों नहीं लिया, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स क्यों नहीं लिया? इंटरेस्ट था मेरा मैथमेटिक्स में इसीलिए, और क्या। कब मालूम चला हर्षित की इंटरेस्ट है हमारा? क्लास 9-10 से भी ऐसे मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट था उस टाइम भी, और अभी 11-12 में भी ये चीज़ लगा कि मैथ ही कंटिन्यू करना है आगे, तो इसीलिए। तो IIT JEE ये सब? हाँ IIT JEE में अटेम्प्ट किया था मैंने, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, JEE मेंस के थ्रू कुछ लोग लोअर कॉलेजेस में लोअर ब्रांचेस मिल रहे थे, उनसे अच्छा ये लगा मुझे, तो इसीलिए यहाँ पे हूँ, और क्या। तो अच्छा ये प्लेसमेंट क्या मैं कुछ फनी तो नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे आप हंसते रहते हो क्या? हम वैसे प्लेसमेंट की बात करें, ग्रेजुएशन पे कोई प्लेसमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता BHU में, क्या करता है BHU? अगर कंप्यूटर में और स्टैट्स में और जियोलॉजी, तीन कोर्सेज हैं जिनमें कुछ प्लेसमेंट्स अवेलेबल है। अच्छा, जनरली प्लेसमेंट्स को लेकर अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो हाईली डिसअपॉइंट होने वाला है, क्योंकि प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। कुछ कोर्सेज में थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस जो BSc में होता है उसमें अवेलेबल है, स्टैट्स में अवेलेबल है और जियोलॉजी में अवेलेबल है, वो भी अराउंड 10% ऑफ द स्ट्रेंथ प्लेस्ड होते हैं बस। अब वो भी ऐसे मतलब प्लेसमेंट अगर होगा भी तो वो जैसे बहुत ही फील्ड से अनरिलेटेड चीज़ों में मिलेगा, मतलब वो जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहा है उसमें ना जाकर, उसमें नहीं, जैसे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए या जैसे कहीं पे अकाउंट्स का काम करने के लिए, मतलब बहुत ही वेग प्लेसमेंट होता है। इन सब चीज़ों को भी प्लेसमेंट में गिना जाता है और नहीं तो क्या। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख का प्लेसमेंट देते होंगे?
इससे भी कम चले जाते हैं मैक्सिमम 4-5 लाख तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया ग्रेजुएशन के लिए हमें लगता है कि। अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। प्लेसमेंट के लिए हमें क्या रुकना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, क्या बाद में प्लेसमेंट लेना चाहिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके प्लेसमेंट लेके निकल जाना चाहिए? नहीं, बीएससी तो बीएससी से प्लेसमेंट के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, बीएससी और एमएससी उसको करना चाहिए जिसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उसमें पीएचडी तक जाना चाहता है, पीएचडी तक जाना चाहता है उसको करना चाहिए। जो पीएचडी तक नहीं जाना चाहता है उसको क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, बीएससी तक कर सकता है लेकिन मास्टर्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मास्टर्स नहीं करना चाहिए। तो आप लोग का अल्टीमेट एम क्या है सर? एमएससी और उसके बाद पीएचडी। मैं जब छोटा था तो मेरा नाम हर्षित था, तो मेरा अल्टीमेट एम था कि पहले ये नाम बदले। ना, मेरा नाम काफ़ी अच्छा लगता है अगर एज यूजुअल देखा जाए तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग। हर्षित का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो ये रेटिंग है, और कुछ बताना चाहिए गाइडेंस के लिए? आप जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे बताइए कुछ? अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट को लेकर हायर स्टडीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर जिस किसी का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको बीएससी के बाद मैथ्स या फिर बीएससी में भी मैथ्स नहीं लेना चाहिए। बीएससी ही नहीं करना चाहिए, हम तो सिंपल सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को इंटरेस्ट ना हो सब्जेक्ट में प्योर साइंस में तो उसको बीएससी नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कोई ऐसा कोर्स कर ले जिसमें कि अप्लाइड चीज़ों का काम आए, जैसे बीटेक कर ले तो उससे शायद जॉब भी मिल जाए, लेकिन इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एकदम वेस्ट डिग्री हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि आप अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना आप प्लेस्ड हो सकते हैं, ना इस कोर्स का कहीं यूज है, जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सिंपल, जैसे हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कुछ भी कर ले। इससे अच्छा तो आप डिस्टेंस कोर्स कर ले अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो। ग्रेजुएशन डिग्री किसी काम की आजकल इंडिया में है नहीं, किसी काम उसके आधार पर आपको कोई जॉब नहीं मिला, जॉब मिल भी रहा है मतलब मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लोग बीएससी करके या फिर कई ऐसे कोर्सेज हैं जिससे ग्रेजुएशन करके वो जो फर्म होता है ना, जैसे चुनाव प्रचार में कई लोग जुड़ जाते हैं, या फिर ये जो बायजूस है, अनअकैडमी है, उनके फ़ोन कॉल्स कॉल सेंटर में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने पढ़ाई नहीं की थी यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, और ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। Exactly. और हम आपके कल वहाँ पे गए, हॉस्टल गए, रामाकृष्णा हॉस्टल है जूनियर्स का, तो वहाँ पे आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लड़के। उनका कहना है कि आरक्षण वाले लड़के यहाँ पे आ जा रहे हैं और आरक्षण सेमेस्टर एग्ज़ाम पास तक नहीं कर पा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं कि क्या है? काफ़ी हद तक सही। मेरे हिसाब से आरक्षण को लेकर परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी आज तो लागू हुआ नहीं है, बहुत पहले से है, तो जो चीज़ ऑलरेडी है उसको लेके क्या परेशान होने का मतलब है। उसके जो अगर किसी को जनरल में सीट चाहिए तो वो तो ऑलरेडी होना ही है, और अगर कभी अगर रिजर्वेशन हटना ही है तो इन मुद्दों पर बैठ के लोग बात कर रहे हैं बेकार में, बेकार इसका कोई यूज नहीं है, टाइमलेस बातें हैं, और मतलब करते रहिए, अनंत बातें करिए, इनफाइनाइट डिस्कशन करिए, कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, वो तो कभी जब पार्लियामेंट इसको अमेंड करेंगे तो ही होगा, और क्या। और उनको वो तभी करेंगे जब उनको वोट से कुछ फायदा हो, जब कुछ राजनीति इधर उधर कर सकती है, सब ये राजनीतिक मुद्दे हैं, चेंज होने नहीं वाला, तो इस पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कल मतलब मैंने कल इतना गंदा डिस्कशन देखा ना कि कई जूनियर्स आपके थे कह रहे हैं, मतलब सामने एक एससी कास्ट का लड़का था और इधर मतलब जनरल कैटेगरी के लोग खड़े थे, जनरल कैटेगरी वाले लड़के बोल रहे हैं कि बेल्ट, मतलब वो डिफेंड कर रहा था कि हमें क्यों रिजर्वेशन चाहिए, उस बात पे लड़के कह रहे हैं बेल्ट निकाल लो, ये कर दो, वो कर दो, मारने पीटने वाली बात है। जनरली ऐसा अवेलेबल नहीं है, मतलब वो लोग जूनियर्स हैं इसीलिए ये देखने को मिलता है, लेकिन बीएचयू में ऐसे किसी को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, अभी तक तो हमने नहीं देखा है कास्ट के नहीं किया जाता। चलिए ठीक, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म लोग कहते हैं, नेपोटिज्म कास्टिज्म बीएचयू के रग रग में भरा हुआ है, आपने नहीं देखा? नहीं, ऐसा ये सब सुनी सुनाई बातें, ऐसा कुछ जनरली तो नहीं है, कुछ चीज़ों में है, जैसे पॉलिटिक्स में है, यहाँ पे फालतू में लोग बना के रख लिए हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब, तो उन सब में अवेलेबल है, लेकिन ऐसे जनरली क्लासेज में या कहीं भी कभी प्रोफेसर्स कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते इन चीज़ों को लेकर। एजुकेशन सबके लिए एक बराबर है, जो मुंह से निकला हुआ सब क्लास में प्रोफेसर बोलता है वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि जनरल वाले कान खोल करके सुने और वो ओबीसी वाले या फिर एससी एसटी वाले कान बंद करें, उसको वो ना सुन पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग थर्ड ईयर में हो तो सीयूईटी मैथ का सिलेबस जो एमएससी मैथमेटिक्स है सीयूईटी वाला, कुछ क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग? जो कोर्स में है वही सिलेबस, ऑलमोस्ट उससे कम ही सिलेबस सीयूईटी का है, तो जो कोर्स अगर कोई अच्छे से कर ले रहा है तो उसको सीयूईटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें कोई डोमेन ओमेन का लोचा तो है नहीं, डायरेक्ट बस भरना है एमएससी मैथमेटिक्स सीयूईटी के लिए? हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब कुछ बुरा तो नहीं पूछ दिया हमने? नहीं नहीं कुछ, आपसे तो बात ही नहीं हुई ज़्यादा। अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, मेरे लिए।
आपके लिए कैसे भाई क्यों अच्छा है? नहीं कुछ नहीं, नहीं बोलेंगे, नो कमेंट, नो कमेंट्स। बहुत बड़े इंसान है ये। कोई बात नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। 1916 ना, 1916 लिखा हुआ है, 1916 में बना ये डिपार्टमेंट है, मतलब ये 100 साल से ऊपर हो चुका है और काफ़ी ढेर सारी हिस्ट्री रही है इस डिपार्टमेंट से। ऐसे 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 लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं जो आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे जगह पे हैं, विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह बैठे हुए हैं। और आपको BHU के, जैसे आप बोले थे ना UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको बहुत ही ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो BHU से होंगे और उस बेंच पे बैठे होंगे, तो हर जगह आपको BHU के लोग मिलेंगे। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट भाई, तीसरा साल है ये, हम भी जब तीसरे साल में थे तो प्रिपरेशन में लगे हुए थे लेकिन पत्रकारिता पकड़ लिए तो अपना वो ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा, बदल दिया पूरा, जर्नलिज्म में आ गए तो शायद इंटरेस्ट नहीं रहा है। और ग्रेजुएशन करके, मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मुझे नहीं लगा कि ग्रेजुएशन करके कुछ फ़ायदा है। आपको कोई पूछ रहा है ग्रेजुएशन करके? नहीं, आत्मनिर्भर होने का फॉर्मूला दिया मोदी जी ने और हम लोगों ने अपना लिया लॉकडाउन में, लॉकडाउन से ये काम स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी बातें, और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हमसे कोई मिले फर्दर्स की केमिस्ट्री या मैथ या फिर पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ना, कंप्यूटर साइंस हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, ज्योग्राफी हैं, जियोलॉजी हैं, जियो फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हो गया आपका और फॉरेंसिक साइंस हो गया। फॉरेंसिक साइंस UG में पढ़ाई होती है उसकी? दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ना है, MSc में फॉरेंसिक साइंस होता है। तो UG की पढ़ाई फॉरेंसिक साइंस वाले कहाँ करते होंगे? अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है किसी किसी में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम फॉरेंसिक साइंस UG में नहीं लिए हैं फिर भी हम मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस से कर सकते हैं? केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करके फॉरेंसिक साइंस से MSc कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब थोड़े थोड़े राज हैं जो खुल रहे हैं एजुकेशन को लेकर के। पढ़ाई करिए अच्छे से, और कोई मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम फर्दर से इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़ सा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा पारा जान लिया, अब अकेले क्यों बैठे हैं मैथ वालों के साथ? ये केमिस्ट्री है तो मैथ से दोस्त हैं सब लोग पहले। अच्छा, ये केमिस्ट्री वाले पढ़ रहे हैं, मैथ वाले नहीं पढ़ रहे हैं? कह सकते हैं आप मतलब कहाँ से हैं? द स्टूडेंट लाइफ नाम है चैनल का, हम सिर्फ स्टूडेंट पे काम करते हैं और लगभग मतलब यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं मास कॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। जैसे आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे, वैसे हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं और बस मतलब वही सेम, और जानकारी लेते हैं कि क्या फीडबैक है हमें केमिस्ट्री से क्यों पढ़ना चाहिए, यही सब। और हम कुछ एक्स्ट्रा ना पॉलिटिकल बातें ना किसी अदर सब्जेक्ट की बातें कुछ भी नहीं, बस हल्की हल्की बातें करेंगे। केमिस्ट्री का तो कहने का तो बहुत स्कोप है आजकल में, कि जैसे इंडस्ट्रीज जो होती हैं।